लास्ट कंफर्मेशन इज माई वॉइस इज ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल। Yes, everything is clear. थैंक यू। एंड वट अबाउट अदर्स? जस्ट टू थ्री मोर कन्फर्मेशंस। Yes, sir, it's clear. ओके, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वेट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्पीकिंग सेशन। कीप योर माइक ऑफ प्लीज एवरी वन। माइक सबका ऑफ हो बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस। आई रिस्पेक्ट योर टाइम, सबने अपना टाइम निकाला है, सो आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। ऑल राइट, माई सेल्फ लवप्रीत वर्मा, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी गाइज। टुडे आई विल टेक योर स्पीकिंग सेशन। जिनका स्पीकिंग का एग्जाम फर्स्ट आने वाला है, दोज स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट द स्पीकिंग फर्स्ट। आफ्टर दैट आई विल गो थ्रू अदर्स एंड यू कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सबको आपने ऑब्जर्व करना है किसकी क्या मिस्टेक थी। जो भी फीडबैक मिलेगी इट विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइज, देर आर थ्री सेक्शन इन द स्पीकिंग एग्जाम। फर्स्ट सेक्शन ए विल हैव एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में जब आप जाएंगे एग्जामिनर के पास, 11 to 14 मिनट में आपकी स्पीकिंग खत्म हो जाएगी। फर्स्ट सेक्शन जो होगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन होगी छोटी सी। एग्जामिनर कैन आस्क, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रीवियस स्टडीज, टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। इन द सेकेंड राउंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड इज क्यू कार्ड राउंड। इन क्यू कार्ड राउंड बेसिकली योर एग्जामिनर विल गिव यू वन क्यू कार्ड। आपने उसको एक मिनट में प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर द क्यू कार्ड इन लेस देन वन मिनट। देन यू हैव टू स्पीक अप फॉर मिनिमम 2 to 3 मिनट्स ऑन द टॉपिक। हाउ टू प्रिपेयर इट आई विल अपडेट यू इन अपकमिंग स्लाइड्स। 2 से 3 मिनट कैसे बोलना है आई विल लेट यू नो। उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे राउंड सी में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्कशन राउंड। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, जब आप वहां पे जाएंगे टू फेस द एग्जामिनर, नॉक द डोर, जब आप अंदर एंटर करेंगे, आस्क फॉर द परमिशन टू एंटर फर्स्ट। जब आपको बिठाया जाएगा, योर एग्जामिनर विल आस्क यू टू सिट डाउन, सिट स्ट्रेट, बी कॉन्फिडेंट, स्टे चीयरफुल। स्ट्रेस नहीं लेना, डोंट थिंक यू आर इन एग्जामिनर, थिंक योर एग्जामिनर वुड बी एज योर फ्रेंड। उसको अपना फ्रेंड समझना है। पैनिक नहीं होना कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा। सो बी रिलैक्स ओवर देयर। जितना रिलैक्स रहेंगे योर एग्जाम विल बी बेटर। द मोर यू विल बी रिलैक्स, द मोर बैंड यू विल गेट, बिकॉज आपका माइंड फ्री रहेगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स टू गेट हायर बैंड। ओके, ऑलराइट गाइज, सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिस पे आपका स्कोर इवेल्युएट होगा, स्पीकिंग स्कोर। फर्स्ट इज टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स। टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स, हाउ यू गोइंग टू अचीव द टास्क, हाउ यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड द टास्क। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने, आपको जो टॉपिक मिला है, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट यू टू डिस्क्राइब ए फॉरेस्ट एंड यू आर डिस्क्राइबिंग ए सिटी, that is going to be irrelevant for the examiner. तो आपको task achievement और response के bands नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। अगर आपको forest के बारे में पूछा गया है, you have to explain about the forest, not the other domain. Now, content relevance is very important. That is first point. Second point, essential factors. Essential factors क्या होते हैं किसी topic के? जैसे कि कोई भी टॉपिक मिलेगा, आपको क्यू कार्ड मिलेगा, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन 1 to 2 लाइंस, देन यू नीड टू कवर द बुलेट पॉइंट्स एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद कंक्लूड द टॉपिक, एड ए कनेक्टर, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू दैट, बिसाइड्स,
एंड देन एक्सटेंड द टॉपिक एज लॉन्ग एज यू वांट, जितना भी आपने एक्सटेंड करना कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन को इतना खींच देते हैं कि वो 2 मिनट निकल जाते हैं। सो नेवर स्पेंड इनफ टाइम लाइक ऑन इंट्रोडक्शन, मोर टाइम ऑन इंट्रोडक्शन, जस्ट 1 or 2 lines आर सफिशियंट फॉर द इंट्रोडक्शन। क्विकली कवर द बुलेट पॉइंट्स, कंक्लूड द टॉपिक एंड एक्सटेंड द टॉपिक विद द यूजिंग ए कनेक्टर। अगर आपका स्पीकिंग लेस देन 2 मिनट है, स्टिल यू विल नॉट गेट द फुल बैंड ऑफ टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स। अगर आपने ये तीनों चीजें कवर कर ली हैं 2 मिनट के अंदर, एग्जामिनर ने अपने आप ही आपको स्टॉप कर देना है। इफ ही और शी विल स्टॉप्स यू एंड यू हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, दैट वुड बी फाइन। अगर 1.5 मिनट पे भी आपको रोक देते हैं, आपने कवर अप कर लिया, इट इज फाइन। नाउ कोहरेंस एंड कोहिजन। कोहरेंस एंड कोहिजन मीन्स ए परफेक्ट लिंकेज बिटवीन आइडियाज एंड योर लाइन्स। जो आप बोल रहे हैं उसमें लिंकेज होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। आज आप सबको कनेक्टर्स की लिस्ट मिली होगी, गो थ्रू दैट लिस्ट। टाइम टू टाइम हम आपको पीडीएफ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन, वैल्यूड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो काइंडली गो थ्रू द एंटायर इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट। जो भी आपको वोकैबुलरी मिलती है, जो भी आपको कनेक्टर्स मिलते हैं, राइट डाउन ऑन योर नोटपैड। उनको कोशिश करिए कि आप राइटिंग्स में और स्पीकिंग में यूज करें। एवरी डे रीड न्यूज़पेपर एट फ्रंट ऑफ मिरर। एटलीस्ट 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ें एट फ्रंट ऑफ मिरर, लाउडली पढ़ें, ताकि आपका जो वोकल कोड है, आपका जो गला है, वो अंग्रेजी के लिए बन जाए, वो आपकी वॉइस फ्लुएंसी क्रिएट हो जाए। नाउ कोहरेंस एंड कोहिजन इज ऑल अबाउट लिंकेज। आप अपनी लाइंस को कैसे लिंक करते हैं, आपके थॉट्स को कैसे लिंक करते हैं। लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स व्हाट टाइप ऑफ वोकैबुलरी यू गोइंग टू यूज, वेदर यू गोइंग टू यूज हाई वोकैबुलरी वर्ड और लो वोकैबुलरी वर्ड्स। सम स्टूडेंट जस्ट यूज हाई वोकैबुलरी वर्ड्स, इवन दे आर नॉट श्योर ऑफ द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। तो होता क्या है, हम अगर वैसे ही वोकैबुलरी, कोई हाई वोकैबुलरी वर्ड हमें पता है, कई बार स्टूडेंट वैसे ही ऐड कर देते हैं कि पता नहीं इसके नंबर्स बैंड ज्यादा मिल जाएंगे। अल्टरनेटिवली मतलब अल्टीमेट होता क्या है कि आपका वो हाई वोकैबुलरी वर्ड सारा मीनिंग ही चेंज कर देता है सेंटेंस का, एंड यू एंड अप विद लो बैंड। सो वी विल नॉट यूज एनी वोकैबुलरी विच वी विल नॉट श्योर ऑफ। नाउ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी मीन्स वट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यू गोइंग टू यूज, वेदर यू गोइंग टू यूज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, और यू गोइंग टू राइट डाउन पैसिव वॉइस। सो गाइज, हमको सभी यूज करने हैं। टू गेट मोर देन 7 बैंड्स, यूज सिंपल, कंपाउंड कंप्लेक्स, कंपाउंड कंप्लेक्स एंड पैसिव वॉइस इन योर स्पीकिंग। वो कैसे होगा, आपने ये चीजें सीखनी है। यू कैन गो टू यूट्यूब, फाइंड अबाउट द कंप्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू राइट डाउन कंप्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू राइट डाउन कंपाउंड सेंटेंस। ये सारी चीजें आप खुद यूट्यूब पे सीख सकते हैं, बहुत मटीरियल पड़ा है। इट विल हेल्प यू इन राइटिंग एज वेल। अगर राइटिंग में आप ये 4 तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, पैसिव वॉइस लिखते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट हायर बैंड्स। सो ये 4 पिलर्स हैं, दीज आर 4 पिलर्स। एवरी पिलर इज हैविंग 0 to 9 बैंड्स। अगर आपके 6 बैंड यहाँ आते हैं, 7 coherence एंड कोहिजन, मान लीजिए 8 इन लेक्सिकल रिसोर्स, 5.5 इन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, देन द एवरेज ऑफ दीज 4 विल बी योर बैंड स्कोर ऑफ राइटिंग स्पीकिंग। Addition to this, there are other things which you need to take care of. Aap inka screenshot bhi le sakte hain. If you want to take a screenshot, you can take it. So guys, task completion, I explained you. It's task achievement and response. Fluency is very important. Now, how to build a fluency? Many of students, they don't have the accent, they don't have the fluency. Bahut sare students mere se poochte hain ki fluency kaise build up karein. इजी मेथड है कि आप न्यूज़पेपर रोज रीड करें, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, दैट इज द बेस्ट वे टू एनहांस योर फ्लुएंसी। उससे क्या होगा, 10 दिन तो बड़ा मुश्किल लगेगा, इट्स जस्ट लाइक अ हेल रीडिंग स्टफ विदाउट नोइंग। स्लोली स्लोली आपकी हैबिट बन जाएगी, एंड वंस यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर लाउडली, तो आपका जो वोकल कोड, आपका गला है, उस तरह से तैयार हो जाएगा। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश fluently.
प्लस जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे यू विल नोटिस मैनी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ओवर देयर कि किसको कैसे लिखा है. वोकैबुलरी आप देखेंगे नहीं, जस्ट राइट डाउन दोज वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन योर नोटपैड, फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, इंटेग्रेट दैट वोकैबुलरी वर्ड्स इनटू योर राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग. उनको यूज करें डेली बेसिस पे अगर आप रियली इंप्रूव करना चाहते हैं. नाउ वोकैबुलरी न्यूज़पेपर से मिलेगी, यू कैन ऑल्सो रीड डिक्शनरी, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू ऑनलाइन रिसोर्स फॉर द वोकैबुलरी. हमारा फेसबुक चैनल आप विन योर इंग्लिश का फॉलो कीजिए, उसमें हम अपडेट करते रहते हैं लेटेस्ट वोकैबुलरी. आई विल शेयर दैट लिंक इन द ग्रुप आफ्टर दिस सेशन. नाउ ग्रामर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ग्रामर वीक है जिसके कारण आपके राइटिंग के स्कोर नहीं आते, जिसके कारण आपके स्पीकिंग के बैंड्स नहीं आते. जहां पे पास्ट टेंस यूज करना है आप प्रेजेंट में डिफाइन करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के स्कोर कम हो जाते हैं. सो गाइज, वर्क ऑन योर ग्रामर. ये आपको किसी ने नहीं सिखानी, या आपने खुद सीखनी है. गो टू यूट्यूब, वहां पे ग्रामर के बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और फॉलो आर विन योर इंग्लिश यूट्यूब चैनल, उसका भी मैं लिंक करूंगा सेंड. वी गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर सेशन ओवर देयर एज वेल. तो ग्रामर पे वर्कआउट कीजिए, यूट्यूब में जाइए, ग्रामर सीखिए. देन प्रोनंसिएशन. प्रोनंसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हायर बैंड्स. होता क्या है कि अभी तक इंडिया में हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहां हम रहते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं या एटमॉस्फेयर है, दैट इज नॉट इंग्लिश. तो वो चीज बड़ा इम्पैक्ट करता है. सो प्रोनंसिएशन अच्छा बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिसन द इंग्लिश पीपल, लिसन इंग्लिश रेडियोज, लिसन इंग्लिश न्यूज, टेड टॉक्स. दीज विल रियली हेल्प यू टू एनहांस योर लिसनिंग स्किल्स एज वेल एज प्रोनंसिएशन स्किल्स. तो आपने प्रोनंसिएशन पे भी वर्कआउट करना है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल. हेलो सर. यस प्लीज सर. हाउ टू इम्प्रूव द ग्रामर इन स्पीकिंग? सर ग्रामर को आप एज आई सेड यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें, ग्रामेटिकल ग्रामर कॉन्सेप्ट करके फिल करेंगे, यू वुड फाइंड lots of. I have one question regarding the sir speaking. Sir, which is sir common grammar tenses which are used in the speaking mostly sir, matlab. Sir, we will discuss all the question at the end of the session if you don't thank mind. Thank you so much sir. Yes, please. Thank you. So guys, kindly keep yourself on mute. Jo bhi questions honge, I would be happy to answer all. I respect everyone's time. To main ek minute bhi waste nahi karna chahta aapka. So jo questions hai, kindly write it down. So pronunciation is very important, stress intonation is very important. Jaise kisi word pe stress dena hai, wo bhi ek part ho jata hai speaking ka. Slowly slowly you'll come to know. But some student kya hote hain ki wo jaise apni language ka, Punjabi language ka influence hota hai English pe, kai words ko hum khinch lete hain. Itna stress bhi nahi dena, jahan zarurat hai wahi stress denge. साउंड, साउंड जो होगा, रिदम जो होगा बोलने की, जो फ्लुएंसी है, ना तो स्लो हो ना बहुत फास्ट हो, इट शुड बी इन द फ्लो, बैलेंस्ड होना चाहिए. पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजेज मीन्स जैसे हम राइटिंग में कॉमा डालते हैं, सेमी कॉलम या कॉलम डालते हैं, वैसे ही स्पीकिंग में जब कॉलम डालना हो दैट मीन्स लिटिल पॉज, हाफ पॉज, और जब फुल स्टॉप डालते हैं तो फुल पॉज. फुल पॉज का मतलब कि लाइन खत्म हो चुकी है. So communication skills, fluency मैंने बता दिया, how to improve, read newspaper every day, cultural appropriacy में वो चीजें आ जाती हैं जो हमारा cultural influence है language का, वो भी हम read newspaper read करके ठीक कर सकते हैं. Confidence is very important. Sometime लोग shiver करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं कि अब पता नहीं बोलना पड़ेगा क्या हो जाएगा. No, don't worry about it. अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, मिस्टेक्स भी होंगी. सो बी कॉन्फिडेंट एवरी डे, बट डू इनफ प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम. कोहरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिंकेज ऑफ आइडिया, कनेक्टर्स होने चाहिए. क्लैरिटी, टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. वट एवर द टॉपिक विल बी गिवन, उस टॉपिक के अराउंड उस पहले उसको टारगेट करना है, उसी को बोलना है. ऐसा नहीं है कि हम
if examiner is asking about hills and you are describing the sea, no, that's going to be a wrong approach. So guys, how to prepare the topic in less than 1 minute. So jaise maine bataya, this kind of cue card you will be given in the second round. Jaise, what would be your perfect holiday or vacation look like? चाहे आप हॉलीडे पे गए हैं कभी, वोकेशन पे गए हैं, चाहे नहीं गए हैं, स्टिल यू कैन कुक ए स्टोरी, आप बना सकते हैं. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीजें हैं आपके पास, आपने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं, उन्हीं को डिस्क्राइब करना है. नो, यू कैन यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन. पावर ऑफ इमेजिनेशन के जरिए आप किसी भी टॉपिक पे कितना भी बोल सकते हैं. नाउ इसमें आपको बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो, who would you like to go with, how would you like to spend it, what would be your perfect holiday or vacation. Pehle to question ko aapne badi in depth se samajhna hai ki what the question is asking, ye kya puch raha hai, kaun se tense mein hai, what would be, ye perfect future ki baat ki gayi hai ki kaisa hona chahiye perfect holiday or vacation, where would you like to go. Ab yahan pe agar aap past ka define karne lag jayenge to ye wrong ho jayega. ये आपने फ्यूचर का बताना है, वेयर वुड यू लाइक टू गो एंड हु वुड यू लाइक टू गो विद, किसके साथ जाना चाहेंगे, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड इट, कैसे स्पेंड करना चाहेंगे, एंड एक्सप्लेन हाउ दिस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर वोकेशन, जितनी वोकेशन अभी तक की हैं उससे अलग कैसे होनी चाहिए. तो इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को इन 1 to 2 lines, देन यू क्विकली यू नीड टू कवर दीज बुलेट पॉइंट्स and then conclude the topic in 1 to 2 lines. Add a connector besides, in addition to that, moreover, you can extend the topic as long as you want. Ab kaise prepare karna hai in less than 1 minute? Jab aapko cue card prepare karne ke liye milega, to you need to make a spider diagram. Isko hum spider diagram bolte hain, jisko hum apni classes mein padhate hain. Hamare sabhi students ko ye pata hai, they know how to make a spider diagram. So basically, परफेक्ट हॉलीडे कैसे, वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि आपको आपने वहां पे लाइंस लिखनी है अंदर, ये लाल्स एग्जाम, एक ही लाइन लिखेंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट सो मच. सो क्विकली एक सर्कल डाला, यू हैव टू राइट डाउन द टॉपिक, उसका नेम ऑफ द प्लेस, फर्स्ट थिंग नेम ऑफ द प्लेस, उसके एट्रीब्यूट्स लिखने शुरू कर देने हैं. तो ये जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, इनको शॉर्ट कीवर्ड्स में डिफाइन करना है. वेयर वुड यू लाइक टू गो, when you would like to go, कहाँ कब जाना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, with whom, your friend, क्या क्या activities होनी चाहिए, how it is going to be different than normal vacation, description of the place, place की description बाद में आप बता सकते हैं. जब आपने ये तीनों चारों points cover कर लिए, add a connector, describe a place, you can talk about benefits, recreation, what new skills you learned. So what I'm trying to say, फर्स्ट आपने इंट्रोड्यूस करने के बाद इसेंशियल पॉइंट्स, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको कवर करेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड अ कनेक्टर, देन यू कैन इवन डिस्क्राइब द प्लेस, हाउ इट वुड बी, हाउ इट वुड, कैसी होनी चाहिए, राइट, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या न्यू स्किल्स आप वहां पे सीख सकते हैं. सो गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक, I would like to ask a student whose you know exam is first. Kiska sabse pehla exam hai in upcoming days. So I would like you guys to attempt one by one this, and I'll give you the feedback of it. Who would like to start first? Anyone would like to start first? Okay, I'll give you 1 minute, guys, to prepare for this topic. Just prepare for this topic, and after that, we will start. Aapke paas 1 minute hai. After 1 year, I need you guys to attempt one by one.
Yes, Jagdev Singh, kindly, you have a question you just said? Yes, please. Go ahead. सर मैं ये जानना चाहता था कि जब हमारी स्पीकिंग होती है तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो उसका आई मीन टू से कि उसकी जो एवेल्युएशन है वो उसी टाइम कर देते हैं या बाद में करते हैं? सर उस चीज को हम नहीं उस पे कमेंट करेंगे, दैट इज नन ऑफ आर बिजनेस, राइट? तो आपको सिर्फ वहां पे अच्छा परफॉर्म करना है. वो कब एवेल्युएट करते हैं इवन वी डोंट नो अबाउट इट ऑनेस्टली. ठीक है. और सर इससे मिलता जुलता ये है कि अगर कोई इंडियन हो या फॉरेनर हो उससे वो बैंड स्कोर में फर्क पड़ता है कि अगर फॉरेनर हो? देयर इज नो बैंड स्कोर, देयर इज नो डिफरेंस. डिफरेंस आपकी परफॉर्मेंस या ना आपने कैसे परफॉर्म करना है. दे डोंट नो यू पर्सनली, उनका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, चाहे फॉरनर हो इंडियन हो, इट बेयरली मैटर्स. तो पैसे दिए हैं. कई बार कहते हैं कि अगर कोई साउथ इंडियन आ जाए तो उनकी वो बकाया बहुत हाई होती है, वो आपको कम बैंड देंगे, अगर कोई गोरा आ जाए तो बैंड ज्यादा आ जाते हैं, ऐसे ऐसा अफवाहें. दीज आर जस्ट मिथ्स, लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस से वो चीजें बनाई हुई हैं. देर इज नो डिफरेंस. आपको वो चीजों के बारे में नहीं सोचना. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस. आपने अपनी परफॉर्मेंस को निखारना है, प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आ जाए, इट रियली मैटर्स. ओके, थैंक यू. थैंक यू. यू वेलकम. ऑलराइट गाइज, हु विल स्टार्ट फर्स्ट? जिसका एग्जाम है उसको प्रायोरिटी है, उसकी पहल है, वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके ईशा, कैन यू स्टार्ट प्लीज? गाइज, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. मुश्किल लग रहा है टॉपिक? ओके अरुण. सो मे आई आंसर? यस प्लीज. योर नेम? नितिशा वर्मा. यस प्लीज. There are so many places which I would like to be there, like the places which related to the hill stations, mountains, and which actually relates to the soothing environment. I really want to visit a place with my fiancé in the future. That will be a Tamil Nadu, as it is home for many of the people nowadays, and it is also have a taste of the rich culture of India and so many ancient buildings, and also rich in the architecture field. And I like to spend a lot of time there with my fiance, because I can find actually the soothing and something really related to my stress, like it's become my stress buster, and something really good for me to be there. And it is a chance for me, like I can actually cherish the surroundings over there, and like the rich monuments and the stunning architecture of that particular region. Like I am an architect, so I love to be there, as I can grasp so much of information there. As well as I also come to know that the center of art actually enhances there, and so many people from many of the countries love to visit that particular region. And if I would get a chance, I definitely be there with him. Right, good. Little vocabulary is needed, Nitisha. And okay, yeah, there are some fillers. You could beautify the place, and you failed to elaborate the last. Mm-hmm. Explain how this would be different from other vocations. Okay, okay, okay. So, ye other se kaise different ho sakti hai, right? So you could say other. Okay, previously I never visited place just like this kind of a place. And earlier. Yeah, so this is going to be a unique place, and okay. It's going to be, you know, a learning part for me as well as for my profession. Mm-hmm. So you can add these facts. Otherwise, it was good. You need to work on fluency, vocabulary, and add more connectors. Connectors were missing, right? Otherwise, it's fine. Thank you. Okay, who's next? Reet? Okay, Jessica Goyal.
Now I'll shift to the another topic, guys. Just give me a second. We will do intensive speaking today, one by one. May I speak? Okay. So who will attempt next? Jessica? Yes, sir. Yes, please. Okay. Describe an expensive activity that you enjoy doing occasionally. Sir, actually, I prepared that one. Previous one? Okay. Not it. Okay. Yeah, please go ahead with it. Number of places where me and my family want to visit there, but 19, me and my family are not unable to visit any place. Here I would like to describe a place where I would like to visit, and that place is nearly 500 to 600 kilometers away from my house, and it's of a hill station named Manali, and it's really beautiful, amazing hill station. I would like to go in that particular place with my family only, because I don't have so much friends, so I prefer my family over my friends. In that particular place, I would like to do a number of activities such as paragliding, river rafting, and I just want to overcome my fear of height, because at that place only I can do a number of activities, because there are a number of mountains at heights only, and it would be different from other vacations which I had visited in my life, because in that particular vacation I just want to stay in a hotel of 5-star, because usually me and my family just stay in a hotel of reasonable price. And another thing which I which it would be different, that we will take so many pictures and by making a memory over there, and I will be on the edge of my seat when this vacation will usually plan with my family. And so that's it. All right, good attempt, Jessica. Just need more content to add it. You can beautify the, you know, vacation. What would be your perfect holiday or vacation look like? So no doubt aapne sab cheeze future mein describe ki, but you could add more content, more connectors, and sentence structure. Aap isko aur bhi isme better kar sakte the. Room for improvement is there. Otherwise, it was fine. Thank you. Sorry, okay. Your voice is not clear. Is my voice is audible now? Yes, it's clear. Okay, it's clear. All right. Let's start now. Shall I start? Yeah, sure. Please. Okay. Well, I'm a travel street. मनीषा आपकी आवाज नहीं क्लियर है. योर वॉइस इज ब्रेकिंग माइट बी योर कनेक्शन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. सो आई विल चेक. या ओके, हु इज नेक्स्ट इन द मीन टाइम? Can I? Yes, please. Yes. Well, there are. Well, I have so many ideas for people. Yes. Okay, who's there? Kindly, well, I have. Yes, please start. Jess, keep everyone on the mute face, guys. In the meantime. So can I start? Yes, please. I have so many ideas of a perfect holiday destination in my head, and that I would like to talk about a particular holiday destination that I want to visit there with my family and friends. During the lockdown, everyone stuck at the home, and there was no chance to go outside. So at that time, I had
I cancel my plan to go to Shimla. To go to Shimla with my friends. So after the lockdown, me and my friend decided to go to Shimla in the December month. I was very excited to go on that place because of my after completing my classes, I relax my mind on that place in the Shimla. There are a lot of activities which I do with my friends. Like firstly, I travel in the mountain area, and after that, me and my friend decided to go for in the church, and also we wanted to go up. Apple garden, which is a very popular in the Shimla, and also furthermore, it is a very good thing for me to know about the culture of the hilly areas. Last year, my friend visited there, and she got many memories on that place. And I am very excited to go there, that kind of place, because I have a dream to visit this place. Sir, bas. राइट बेसिकली जस्ट आपने बहुत सारे टेंसेस को मिक्स कर दिया. यू डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग इन द पास्ट. तो बेसिकली एज आई टोल्ड एट द अर्लियर कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है. तो यहाँ पे था कि व्हाट वुड बी योर परफेक्ट हॉलीडे और वोकेशन लुक लाइक. कैसी होनी चाहिए आपकी जो वोकेशन या हॉलीडे होनी चाहिए इन द फ्यूचर. तो ये सारी जो इसकी जो बनती है स्पीकिंग इट इज इन फ्यूचर टेंस. ठीक है, आपने बीच में प्रेजेंट भी यूज किया, पास्ट मोस्टली पास्ट यूज किया. सो ये आपका जो इसमें है ना एक्यूरेसी और इसका सेंटेंस कंप्लीशन एक्यूरेसी ये सब चीजों में आप गड़बड़ कर रहे हैं. तो आई वुड से फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. आफ्टर दैट यू नीड टू स्पीक अप. उसके बाद आपने सोचना है कि इस पे मैं स्टोरी क्या बनाऊं. और आपने इंट्रोडक्शन यू टुक अ लॉन्ग टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन. अगर इतना टाइम आप इंट्रोडक्शन में लगाएंगे तो एग्जामिनर बिफोर यू कंप्लीटिंग योर यू नो बुलेट पॉइंट्स एग्जामिनर विल स्टॉप यू एंड यू वोंट गेट योर बैंड्स. ओके सर, सो ऑलवेज यू वेलकम. ओके नेक्स्ट. गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. यस प्लीज. यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन. Sir, actually, can we use Indian historical place? Generally, examiner does not know about Indian historical place. So can we use Indian historical place, names of Indian historical place, or sir, we use foreigner historical place? Okay, I'll let you know. No. Since speaking exam, you can cook a story. How to cook a story? आप वो चीजें बना सकते हैं इमेजिनेशन से जो इवन प्रेजेंट नहीं है. आई ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट टू कुक ए स्टोरी. आपको हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट पूछा गया तो आप अपनी सिटी में कोई हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट बना सकते हैं. यू कैन कुक ए स्टोरी. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समवन विल आस्क मी टू डिस्क्राइब माई होम टाउन, आई वुड से आई लिव एट लुधियाना. इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी. वी हैव अ वंडरफुल लेक ऑन द सदर्न साइड वेयर पीपल लव टू विजिट इन द इवनिंग. We have world famous university in our city. We have skyscrapers in our city. We have world's oldest church in our city. Ab hamari city mein oldest church to nahi hai, that is for sure. Still I can say that. Examiner is not going to check the facts of the conversation. Unhone aapki GK ka test nahi lena. Examiner is going to check your fluency, your sentence structure, how you're going to respond the topic, what length you will speak, your gestural language, confidence language, connectors, your communication skills, everything going to be evaluated, but not the general knowledge or the facts. Samajh rahe hai meri baat? Yes, sir. Yes. Got it, sir. Yeah. Aapko ek story banani hai. You have to cook a story. You have to beautify the story. Aapki city mein lake nahi hai, waterfall nahi hai, बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है. स्टिल यू कैन से दैट वी हैव वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी. वी हैव वर्ल्ड्स रिनॉन्ड लेक और लार्जेस्ट और द बिगेस्ट वाटरफॉल इन आवर सिटी. ठीक है, तो द मोर यू विल लाई रियालिटी में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट इन आयल्स एग्जाम द मोर यू विल लाई द मोर बैंड्स यू विल गेट.
द पर्पज बिहाइंड इज टू ब्यूटिफाई द टॉपिक. आप ब्यूटिफाई कैसे कर सकते हैं अगर आपने वो चीजें नहीं एक्सपीरियंस की या रियल टाइम में, स्टिल यू कैन से दैट. ठीक है ना? हाँ जी, इसका कोई डिफरेंस नहीं है कि एग्जामिनर को कुछ पता हो चाहे ना पता हो. यू हैव टू जस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका चेक होना है. राइट? सो गाइज, ओके, थैंक यू सर. यू वेलकम. ओके, आई नीड वन वॉलंटियर हु कैन रीड फ्रॉम हियर टिल द एंड. आंसर भी जो रीड करे. आई विल क्लैरिफाई योर प्रोनाउंसिएशन एरर्स एज वेल. Who will speak up? So discuss. Yes, please. Harman? Yes, sir. Okay, please. First question read karein. Okay. Fir uska mere ko matlab bataein ki question kya puch raha hai. Okay. Describe an intelligent person you know. Ek intelligent person jide bare sanu pata va. Who is the person? O person kaun hai? What does he do? क्यों सोचते हो भी वो एक स्मार्ट पर्सन है? हाउ डू यू फील अबाउट हिम? तुसी ओदे बारे की फील करते हो? राइट. नाउ yeah, read out please all the lines. I know many intelligent people. I find some of my friends, teachers and neighbors very intelligent. Here I would like to talk about my friend Sonia, who is very brilliant. She is 18 year of age. She is not tall but looks very beautiful. She has curly hair and sparkling black eyes. We studied together from 1st to 10th. Then she chose the medical stream, whereas I opted for commerce. I remember vividly that she always stood first in class. We used to study together at home also. Because we were neighbors, I was weak at mathematics, but she guided me in such a way that I started getting good grades in mathematics also. She was in a good books of all teachers. She was not only good at study, but also participated very actively in extracurricular activities. She participated in a state level quiz show organized by Rotary Club and bagged the trophy for our school. She has a great sense of humor and can turn any tense situation into a happen one by cracking jokes. She has a lot of ready wit. I just love her company. She has recently taken the IELTS and has scored 7.5 band overall. She has motivated me also to take the IELTS so that we can study together in some good college in Canada. So Sonia is a person whom I find very intelligent. All right. So basically, आपने नोट किया होगा कि entire conversation basically covers these bullet points. Who is the person? What does he do? Why you think he or she is smart? How do you feel about him? तो basically ये चार चीजें को ही इन सभी lines में describe किया है. But I would say this is a lengthy content. हमने इतना नहीं बोलना because it will take approximately 3 to 4 minutes. We have to comprise the information. आपको ये चार चीजें छोटे से within less than 1.5 minute में बतानी है. सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, कवर दिस बुलेट पॉइंट्स, कंक्लूड द टॉपिक, एड ए कनेक्टर, देन यू कैन इलेबोरेट एज मच एज यू वॉन्ट. ठीक है? आपको थोड़ी सी हरमन, यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. आपने कई वर्ड्स पंजाबी टच में बोले हैं. राइट? सम ऑफ द वर्ड्स वर नॉट इन द राइट प्रोनाउंसिएशन. जस्ट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल with Harman. Kindly don't interrupt. Okay, thank you. So Harman, you need to work on your pronunciation. Read newspaper every day. Okay? Yeah, otherwise it was fine. So guys, this is the right way. First you need to introduce the topic quickly, one by one. You have to cover the bullet points. These bullet points are very important. If you cover it,
add a connector, add the content as much as you want. Okay, let me go back to the topic and you can speak up. Okay guys, this is the topic I want to give you. Ispe quickly आप prepare कीजिए. Describe a time when you received some positive feedback. आपने दो तीन दिन पहले भी ये किया होगा. Re-attempt it in a better way. I'll give you 1 minute. Make a spider diagram which I just showed you how to make it. And then one by one describe it. Okay. All right, who will start first? All right, Jashan, Prachi. Yes, Prachi, go ahead. Yes, sir. So I received many positive feedbacks in my life. Some were well-deserved and some were not. The recent feedback which I got yesterday was one of the most memorable ones. I got this feedback because of my courage as I saved a child's life. The child was trying to cross the road and suddenly I saw a car approaching towards him. Without even thinking a second, I ran and pulled the child on the footpath. He was very scared, so I tried to calm him. People around me were watching me and they even made my videos and posted it on the social media. And I got a lot of appreciation from people all over the world. And even I got a prize from our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, for my courageous and sagacious act. I felt elated because I became motivation of many youth. Thank you. Very good. Wonderful. Great performance. You covered all the bullet points. You covered the content, used connector, used the right sentence structure, and story was wonderful. Did you just imagine it or this was a real story? It was an imagination, sir. Okay, great. Wonderful. Good work. Keep it up. Okay, who's next? So guys, this is very easy topic, I would say, because positive feedbacks to har roj ya kabhi na kabhi hame milti rehti hain of our work, volunteer work ho related to, you know, office work or for students it's like homework. So if agar aapko nahi bhi mili, still you can make it. So you can say, I mean, till today I received so many feedbacks, but I would like to talk about this one. So you need to cover the bullet points. So guys, who will start next? Isha, Gauri, Gurjeet, Harman, Harsh, Harjot, Jashanpreet, Jessica, Kamal, Kiran, Priyanka, Prabjot, Rupinder. Who's next, guys?
सो काइंडली अटेम्प्ट, जैसे भी आप अटेम्प्ट करें इट्स फाइन कम्प्लीटली, इट डजेंट मैटर. अगर आप मिस्टेक करेंगे तभी पता लगेगा. यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम माई साइड, इट विल हेल्प यू. सो गाइज, दिस इज अ प्रोग्राम दैट वी लॉन्च जस्ट फॉर योर हेल्प. सो इफ यू विल नॉट पार्टिसिपेट इट विल नॉट हेल्प यू. शुड आई चेंज द टॉपिक इफ इट सीम्स हार्ड फॉर यू? Amoldeep, it's your turn. Okay, Jashan, start. No, guys? Hello? Yes, ma'am, kindly start. Yes, sir. I'm just going to start. Okay. Well, there are a plethora of times when I've got a lot of compliments from my friends, from my colleagues and my relatives. But here I would like to talk about one such experience where I have got a positive feedback from my family members and relatives. Well, it was a month ago when there was a family get together for a birthday party at my cousin's house, where all their relatives and some of her friends were invited for some snacks and for party. And at the time I was wearing a beautiful dress that was gifted by my mother on my birthday. Well, it was purchased from Ludhiana. There is a well-known boutique over there, that is Pehnava boutique, from where I have bought that dress. And moreover, actually my relatives and the friends of my cousin, they wanted to know about the dress because they have been complimenting me that it enhances my beauty, and moreover I'm just looking more beautiful, more graceful just because of that dress. And I think there are numerous compliments that I have got from everyone, like compliments on my features, on my dress, and the embroidery that the dress had. And I think it was the time when I have received positive feedback that filled me with the confidence. Thank you. All right. Very good, Jashan. Little grammatical errors like you use, there are numerous compliments, right? There were. So okay. Yeah, little tense errors. Otherwise it was perfectly fine, but you could describe the feature of the dress little before, you know, because at the end of the conversation, you could talk about more like how you felt about it. Before that, you can talk about the features of your dress and how you looked, you know, while wearing that dress. Actually, otherwise, sir, I have not seen the last point. I thought there are only three bullet points, not the fourth one. That's why I understand. That's fine. That. Otherwise, the conversation was very good. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you. All right, guys, who's next? Gurleen? Yes, sir. Please go ahead. Okay, sir. It had happened with my many times when I received a different type of positive feedback from my friends and family also. And I recently remember that yesterday my all family members and guests together did the meeting some matters. So that day I feel very happy because my mother was busy in the in other work, so I made food for my family and guests. And so that day I made different type of cuisines and for guests and family members. So all family members gave a different type of compliments about food, and food was delicious and amazing taste. So that day I felt very happy because it with the help of positive feedback, it enhanced my knowledge enhanced my confidence also. So it was the best experience in my life when I received positive feedback. All right, Jashan, some grammatical errors were there. All family member gave. Ye humne past mein define karna tha, to every tense should be in the past. Theek hai?
सेकेंडली आपने अमेजिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी गलत की थी. अमेजिंग, राइट? सो ओके सर अमेजिंग, यस इट्स अमेजिंग, राइट? एनहैंस ओके वर्ड सर को आपने डबल यूज किया, सो देयर शुड नॉट बी हाँ जी रेपिटेशन. एनहैंस एनहैंस बार बार नहीं यूज करेंगे, रेपिटेशन को ओके सर अवॉइड करेंगे. तो आपका जो फ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कंटेंट वाज फाइन. फैमिली की प्रोनाउंसिएशन आपने सही नहीं, इट्स फैमिली, राइट? फैमिली, ठीक ओके है? सर थैंक और आई यू वुड सो से रीड द न्यूज़पेपर थॉरली एवरी डे, ठीक है? उससे आपकी ओके प्रोनाउंसिएशन सर और टेंसेस ठीक हो जाएंगे. ओके, हु इज नेक्स्ट? डेफिनेटली यू वेलकम. आई थिंक इट्स गुरलीन हु अनम्यूटेड. गाइस, टुडे आई फील यू आर लेस एनर्जेटिक. हेलो यस प्लीज, मनीषा. हेलो सर इट्स मनीषा है यस प्लीज. यस कैन आई स्टार्ट सर यस यस प्लीज गो अहेड. ओके सर वेल अफेक्टिव फीडबैक्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इज वेरी अफेक्टिव इन वन्स लाइफ हियर आई वांट टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम माई मदर एंड माई रिलेटिव आई विल रिमेम्बर इट्स 2 months अगो वेन माई मदर वॉज सम हेल्थ इश्यूज एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम फॉर बेड रेस्ट एंड एट द सेम टाइम माई अंकल केम फ्रॉम द अनदर कंट्री एंड दे विजिटेड आवर हाउस एंड दैट्स वाई वी हैव टू मेक समथिंग स्पेशल फॉर देम मेक सम स्पेशल फूड फॉर देम एंड बिकॉज माई मदर वॉज ऑन बेड एंड शी कुडंट मेक एनी फूड एंड आई एम ऑल्सो नॉट गुड इन किचन So that at that time I was very down and dumps, but with the encouragement of my mother and with the help of YouTube, I make some food. I made rice with the kidney beans, vegetable, and this was very delicious. My mother and my uncle really happy about the food and they said me that the food is like finger licking delicious and they encouraged me very much and my mother also very happy because I was that was the first time when I make something so that's all राइट. सो मनीषा, आपकी जो कन्वर्सेशन में पास्ट टेंस को आपने प्रेजेंट में बहुत बार यूज किया, सो यू हैव टू यूज पास्ट. जैसे फर्स्ट आपकी गलती थी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज, यहाँ पे आर आना था. जब दो चीजें हो तो आर आएंगी, बोथ ओके सब सर बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आर, ठीक है? ओके अगर सर और होगा बीच में तो उसको सिंगुलर की फॉर्म दे सकते हैं. फिर आपने ओके सर कहा मदर वाज सम हेल्थ इश्यूज, मदर हैड सम हेल्थ इश्यूज, ठीक है? ओके मैम ओके उनको सर थे. उसके बाद आपने डम्स वर्ड यूज किया. ऐसे वर्ड्स इनफॉर्मल नहीं यूज करेंगे. डम से, डम इज अ नॉट अ यू नो फॉर्मल वर्ड, ठीक है? सर एक्चुअली आई वाज रीड समवेयर कि डाउन एंड द डम्स इट्स लाइक एन ईडियम नहीं, इडियम्स वी डोंट यूज इडियम्स इन ओके सर स्पीकिंग एंड थैंक राइटिंग, राइट? यू ओके सो सर मेक सम फूड, मेड सम फूड, ठीक ओके है? सर इस तरह से आपने दे एनकरेज मी, दे एनकरेज्ड मी. तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो यस आपने सर कमिट की, बट दैट्स फाइन. बट वर्क ऑन योर टेंसेज एंड यस सर फ्लुएंसी एज वेल, ठीक है? अदरवाइज यस, यू माइट हैव यू नो यूज सम पावर ऑफ इमेजिनेशन इसको डिस्क्राइब करने के लिए. सो ब्यूटिफाई द टॉपिक, मोर यस ब्यूटिफाई सर द टॉपिक, राइट? सो ओके रीड सर न्यूज पेपर एवरी डे. थैंक यू. ओके सर ओके थैंक यू हु इज नेक्स्ट? एनी वन वुड लाइक टू? कैन आई स्टार्ट सर यस प्लीज.
many times I received many positive feedbacks related to work and different types of study. Here I would like to describe a positive feedback in my life. Last year I was cleared ICICI Bank interview. Firstly, this interview is my first in my life. I was very nervous. In this interview, total 900 candidates, but only 10 candidates selected it. Hanji, yes, please go ahead. Rajbir. Yes, sir. क्या हो गया? कुछ नहीं. So basically, yes, there are sentence structure and tenses trouble. Rajbir, you said interview is my first in life. Yes, so again, you have to use past tense. ठीक है? So आप mix and match कर रहे हैं tenses का. That's going to be a risky thing over there in the real IELTS exam. So first, analyze the topic. Mind में ये बिठा लें कि इसको मैंने past में define can describe a time when you received some positive feedback. Yes, आपको कब positive मिली? आपने received लिखा है ना, this is a past tense, तो कब मिली? Describe a time when you received. It indicates that you have to explain everything in the past. When it was, last month, last year, last week, what was the feedback, was related to a social work and the community workers or your family members gave you a fantastic feedback that I was working well for the, you know, certain community task. And I felt elated about get to know about the improvements or, you know, through this feedback, it encouraged me to work harder in the future tasks. So is tarah se teen char lines mein aapne ye teeno points cover kar dene hai. 1 to 2 lines mein ye describe kare, 3-4 line mein ye describe kar de, एक दो लाइन में कंक्लूड कर दें, ऐड ए कनेक्टर, जितना मर्जी लंबा करी जाए आप टॉपिक को. ठीक है? सो वर्क ऑन इट, रीड न्यूज़पेपर गाइस, इन ऑर्डर टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल्स, न्यूज़पेपर इज द की. ओके, हूज नेक्स्ट? कमलप्रीत. कैन आई सर? यस प्लीज. ओके सर, वेल, feedback plays an integral role in person's life, whether it is a positive or negative one. But I think so that positive feedback is much important because it helps a person to do work in a very hard way in their future endeavors. So the time when I received some positive feedback, it was a year ago. And the feedback was about my driving skills, and that feedback was given by my uncles and aunt. Those are living in my neighborhood. Moreover, if I talk about the skill, it was, as I mentioned earlier, it was a driving skill. That I think that nowadays in this technology era and due to the globalization effect, many people want to learn much things in their daily life. So I also dream about this thing. When I received this feedback, I felt over the moon, and I also shared the whole experience with my friends and the other team members who are working with me. And nowadays I also working on that's okay. It sir. Okay, so basically aapko Kamalpreet, you need to work on the content a lot. So jo content ye apne banaya tha ya it was a real story you unable to cover up? It was imagination sir. It was imagination. So basically imagination mein kya hota hai ki you have to plan everything beforehand. कि मैंने क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करनी है, कैसे कैसे चीजों को निभाना है. सो दैट ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ में इमेजिन कर रहे हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, इट वॉन्ट वर्क, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. जो आपको 1 मिनट मिलेगा, आपने ये चीजें करनी है. व्हेन इट वाज, आपने एक्चुअली इंट्रोडक्शन को काफी एक्सटेंड कर दिया. दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. इंट्रोडक्शन को
एक दो लाइन में ही डिस्क्राइब करना है. व्हेन यू रिसीव द पॉजिटिव सम पॉजिटिव फीडबैक. आई गॉट मेनी फीडबैक्स इन द पास्ट बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ फीडबैक व्हिच यू नो गिव मी प्लेजर व्हेन आई थिंक अबाउट इट. इट वाज लाइक लास्ट वीक आई गॉट अ वंडरफुल फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ माई ट्यूटर ऑन माई होमवर्क एंड आई गॉट highest you know numbers in my homework and I got first and I got rewarded by my tutor and even my parents you know encouraged me and they gave me a gift on this feedback. They gave me a gift on this achievement and it was a wonderful time. It was a memorable time and it always encouraged me when I think about it just like this. So aapne choti si इंट्रोडक्शन में छोटी सी यू नो वर्डिंग में आपने सारा कवर कर देना है. दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी. आपने लाइंस बहुत लंबी लंबी जहाँ इंट्रोडक्शन और पॉइंट्स को घुमा फिरा के नहीं करना. सो दैट वाज द मिस्टेक. ओके सो वर्क ऑन इट. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. एनी अदर पर्सन वुड लाइक टू ट्राई. कैन आई स्पीक? यस प्लीज. आई रिसीव मेनी काइंड ऑफ positive feedbacks from my friends, my family members and my colleagues, and I think that positive feedbacks are too important for my life because it helped me to enhance my confidence. But I would like to talk about a positive feedback that I received recently. Last year when I was completed my plus two standard, at that time I was totally free from my work and my study. At that time I did not have any kind of work which I did in my life, and my parents suggested me to give tuition to students, and I think that it was a beneficial for me because with the help of this thing I can easily enhance my confidence and skills. And I gave a tuition to a students who are my neighbors, and I received a positive feedback from the parents of the students because students did not get strong marks in their exams, and they started tuition from myself, and I give a tuition with a unique way, and I study the students with a unique way, and I think that education is most important for every people's life. And after doing this, the students received a plus grade from their exams, and at that time I felt very happy, and the parents of the students felt proud on me, and my parents also felt proud of me, and I think that it is a most Right. So, Harman, basically, आपने content को बहुत लंबा कर रहे हैं इसमें. You need to precise the content I said earlier. Yes, sir. So, basically, आपने describe a time when you received some positive feedback. इसके बाद जो आपने तीन चार lines बोली ना वो irrelevant थी. That was not required. Got my point? Yes, positive feedbacks, we got many feedback, you know, some positive, some negatives, but positive feedbacks are very important for a person to enhance their something like that you explained, right? So that was basically not required. So aap us cheez ko cut karke direct points pe leke ja sakte hain, aur aapne past ki jagah present use kiya hai ki I can improve my, you know, enhance my vocabulary or something. I could. आपने कुड करना है. गिव ट्यूशन इज अ रॉन्ग वर्ड. ट्रेन्ड दो स्टूडेंट और प्रोवाइडेड दो स्टूडेंट, यू नो आई इम्पार्टेड द एजुकेशन. और पीपल प्रोनाउंसिएशन आपने पीपल की कुछ और किया था. इट्स पीपल, राइट? पीपल. और यूनिक आपने दो बार यूज किया. सो दैट इज काइंड ऑफ रेपिटेशन, ठीक है? सो आपने इन चीजों पर वर्कआउट करना है. रीड न्यूज पेपर लाउडली ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए. Got it? Okay, who's next? Anyone would like to talk? I'll take one more candidate, guys. Then after that, we will wind up the class. One or two candidates. Sir? Yes, please. Okay. While positive comments
plays imperative role in everyone's life. I received many positive comments in my life, but here I like to talk about one particular feedback which I was still refreshed in my mind. Actually, last year I organized a party for my parents. I kept it secret from my family. Firstly, I started planning it 1 month before. On that day, firstly, I wished them with a bucket of flowers. Moreover, I presented 2 tickets of a latest movie. When they were in the theater, I made all the arrangements regarding this. Apart from it, I invited my relatives as well as friends. Beside it, I decorated my house with balloons as well as flowers. And I ordered not only a big cake with their picture on it, but also favorite dishes of them. Indeed, there were a delightful moment for me. And they, when they come back to house, that time when they saw a decorated house, they were over the moon. To wrap up, that was the time and when I received a positive feedback, and because my parents was parents were proud on me, and they give all compliments to me. Right. Okay. So first of all, जो आपने बोला था imperative, that is imperative. आपने कुछ और बोला था ना imperative, something like that. So that is imperative, right? Secondly, आप yes थोड़ा सा jumble कर रहे थे past present में she, he और they में. Yes. ठीक है. Otherwise, storyline was good, and you covered all the bullet points. So work on your pronunciation and your fluency. Read newspaper every day, right? Okay. So एक जगह पे आपने moreover use किया था, उसकी जगह आप you could use additionally. But आपने connectors अच्छे use किए, additionally, moreover के बाद आपने use किया था, in addition to that, but not only, but also, that's a good thing. Keep it up. But read newspaper, the more you will read, the more you will get beautified your speaking skills, right? Okay. Thank you, sir. You're welcome. Okay, guys, who's next? So can I speak? Yes, you wish. Yes, sir. I will receive daily comments. Some are negative and some are positive feedbacks. And well, I'm working guy. Today, here would I like to talk about the positive feedback, which I gave from my manager. Like 2 days back, we discussed about the marketing stuff. We all know during the pandemic, all the payments, a lot of money stuck into the market. So we make a plan to how to get our credits. So I just simple suggestion, I just gave to my manager. I said to my manager, we do not directly call to the customers. We just send SMS and emails, because sometimes customers are angry. Because we all know we are faced very rough and tough time. So I just gave a simple suggestion, and my manager welcomed my suggestion, and I think it was very positive feedback for me, and I was very happy, and all our managing members appreciate me. All right, Yogesh, good storyline, and some mistakes like customer are anger. Right? Plus some sound of or filler was there. Mm-hmm. So I would say work on your fluency. Your content is good, but lack of fluency was there. So read newspaper, enhance your speaking skills. Okay. Otherwise it was fine. Okay. Right. Thank you. I have a question. Yes, Harsh. Yes, please. Sir, can we tell first who gave the feedback, then we give the feedback was related to, so yeah, this will affect explain. Our scores? No. Basically, during time span, you have to cover the bullet points. So it barely matters. You can say, today I would like to talk about the feedback which I received from my tutor, and it was last week. It was like a year ago.
ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना आपकी, पहले हम उसका स्टेप बाय स्टेप करें या वी कैन जंबल द बुलेट पॉइंट, दैट इज योर क्वेश्चन राइट? सो बेसिकली यस हर्ष यू कैन डू दैट एज लॉन्ग एज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज राइट, आप उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही बोल रहे हैं. इफ यू आर जंबलिंग द बुलेट पॉइंट्स दैट इज फाइन, बट इफ यू गो विद द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दैट वुड बी बेटर. You got my point? Thank you, sir. You're welcome. So basically, हमें content cover करना है, but yes, if you go by bullet points one by one, then it would be better. Sometime आपने third point पहले cover कर दिया, तो panic नहीं होना कि मेरा तो पहले third हो गया. Don't worry about it. Just cover the rest of the points. All right. So Param, you would like to talk about next? Who would like to talk next? Hello. Yes, please. Yes, Param. Positive feedback is played a very effective role in any everybody's life. I always got many positive feedback, but now I would like to explain. I would like to share some positive feedback, which was I got from some people last month. I was going in the market purchasing something. Something from the market. When I reached the market, I saw some hungry people. They want to eat something. I realized their problem. I spent my all money to get fat. When they are eating, I feel very happy. Some ladies observe my act, and they are appreciate me for this act of kindness. At that time, I am feeling very happy. That's it, sir. All right, Param. Basically, lots of grammatical errors were there. Jaise aapne bola, they are appreciating, right? So aapne present mein bol rahe hain, but here you need to describe it in the past. They were appreciating me. It was, they were observing me. I saw many beggars over there. Those were, looking for food, but I had money, so I provided them the food. Somehow, I felt so satisfied or gratified. So आपने basically Param, I would say work on your tenses, right? Tenses and read newspaper. सबको to everyone I do one thing, guys, on repeatedly basis, continuously basis, read newspaper. It will really help you to enhance your skills. जब तक आप every day speak up नहीं करेंगे loudly, you won't see any improvement in your speaking. It's my personal experience. मैंने भी अपनी speaking ऐसे ही improve की है. Continuously, I used to read newspaper on daily basis at front of mirror loudly. It really helps, guys. So, any other person would like to talk or speak up? Otherwise, we'll wind up. Hello, sir. Yes, please. I have received many positive and negative feedbacks from my friend and relative. Here I would like to talk about feedback which I received last month from my friend related to how I reduce my weight, because I have gained a lot of calories while sitting at home during the lockdown. Right. All right, Gurleen, basically आप words को ना खींच के बोल रहे हैं, which, right, setting, sitting को setting बोल रहे हैं. So I would say pronunciation पे आपने workout करना है, ठीक है? Okay. So you need to work intensively on the pronunciation, worked, ठीक है? ये ना पंजाबी टच आ रहा है बीच में. So आपने क्या करना है? Listen English radio, listen English news. और टेड टॉक होता है, आप सब वैसे नोट करने, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन हियर. टेड टॉक्स आप भरेंगे, उसमें यूट्यूब में यू विल कम टू नो
अबाउट इट. टेड टॉक्स में बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे प्रेजेंटेशंस देते हैं. इन दैट प्रेजेंटेशंस यू कैन लर्न देयर एक्सेंट, यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ स्टफ ओवर देयर. ठीक है, सो रीड न्यूज़पेपर, वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर पे वर्कआउट कीजिए, यूट्यूब से ग्रामर सीखिए. ऑलराइट, एनी अदर वन? योगेश सर, आई हैव क्वेश्चन. यस प्लीज सर. लाइक आई सेड सम कस्टमर्स आर एंकर, तो हम इसके सब्स्टिट्यूट हम ये बोल सकते थे कि समटाइम कस्टमर्स आर नॉट इन बोर्ड, राइट? कस्टमर्स, you know, you can say the customers were not feeling you know, comfortable, or customers are not comfortable with the SMS thing, or customers are not comfortable with calls. That's why we send them SMS or emails. Yes. Okay, no, thank you sir. You're welcome. Any other question, guys? Now we will wind up the session. Any question, agar kisi ka bhi koi question hai, I would be happy to answer. Hello sir, on any module? Yes please. Sir, actually I have problem like whenever we are just writing the task to, and moreover in speaking we have to add a general line. I'm always like I have trouble in this portion, and moreover at last we have to write about how you felt about it. I don't know what to say at that time, like how to sum up the speaking cue part. Speaking cue card ko sum up karne ke liye you can use several concluding phrases at the last, to sum up at the end, lastly, to encapsulate, to sum okay. up. So but we have to tell them that how you felt about that. Well, every situation we have to answer that question. Yeah, you can say I felt elated, I felt depressed, I felt amazing, I felt whatever. I mean, the content would be, so you have to align the feelings according to the content. Jaise aapne us cheez mein sare content mein aapne describe kiya ki aapko kaisa laga, ye zaruri to nahi aapne har cheez positive mein bhi bolni hai, aap ek negative feedback bhi describe kar sakte ho. So you can say I was so disappointed that moment, and it was, you know, terrific moment for me when I got such a negative compliment and negative comment. Uh-huh. And after that, you know, I worked on it, and now I have removed, or I have eliminated that kind of weakness. So basically, aapko agar to bilkul show karna hai ki aap conclude karne hai, to you have to use concluding phrases at last. You know, at the end, this happened. Or jab aap last wali line, jaise how you felt about it, or jab aapne wo last wali line cover up kar di, to it means already aapne conclude kar diya. Okay, sir. Theek hai? Sir, is it possible to provide like how you felt about it? What kind of words or what kind of sentences we can use at that time, if it is possible for you? Definitely, we'll provide you the list of. I think I provided the list of phrases earlier, but I'll definitely share it again. So, hum time to time aapko sare phrases aur aaj bhi vocabulary kafi share hui hai hamari team ki taraf se. So, I would say use the optimum use of that vocabulary and resource. So, aapko writing or speaking mein help ho jaye. So guys, you're welcome. Thank you so much everyone for your precious time. Sir, yes, sir, please sir, wo name dobara se repeat kar denge, aur tactitude aap, how do we spell it? Let me show you. Just give me a second, please. TED Talk. TEDTALK. TED Talks. So TED Talks mein agar aap jayenge, जो वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, और जो स्कॉलर्स हैं, दे गो ओवर देयर एंड दे बेसिकली एक्सप्लेन देयर स्टोरीज ओवर देयर. सो यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कंटेंट, जो नई नई चीजें आपको मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय चेकिंग आउट टेड मास्टर क्लास. सो यू कैन गो टू टेड टॉक्स. Or what you can do, you can go to YouTube. YouTube mein what you can add, yahan pe aap TED Talks bhar sakte hain.
So you can listen their talks, or you can also